रहमान रहीम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मीरा मेरी है। मैं मीरा को किसी को नहीं दूंगा, मीरा सिर्फ मेरी है और मीरा पर सिर्फ मेरा हक है। ये शख्स कौन है और क्यों बार बार ये आवाजें लगा रहा है कि मीरा सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं, किसी और को नहीं दूंगा। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। आज एक बड़ा अजीबोगरीब सा, अपनी नौयत मुताबिक एक अजीब सा ही केस हुआ पाकिस्तान में। इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें मंजरे आम पर आती रहती हैं। आए दिन कोई ना कोई निकाह करके भाग जाता है, फिर खवातीन जो हैं वो अदालतों का रुख करती हैं। बहुत सारे केसेस में तो यही सुनने और देखने को मिलता है कि मर्द हजरात हैं वो निकाह करते हैं लड़की से, 4 दिन इश्क मशहूर की कहानियां करते हैं और फिर भाग जाते हैं, और फिर खवातीन औरतें लड़कियां जो हैं वो अदालतों में धक्के खाती हैं उस निकाह को साबित करने के लिए। लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पर मशहूर जमाना स्कैंडल क्वीन, इंग्लिश क्वीन और फिल्म स्टार पाकिस्तानी अदाकारा, मशहूर अदाकारा फिल्म स्टार मीरा है, जिनके शौहर, जिनको अदालत ने आज मोहर लगाकर बाज़ाब्ता तौर पर मीरा के शौहर होने का लाइसेंस दे दिया है। ये कहना गलत ना होगा कि अतीकुर रहमान, जो एक लंबे अरसे से, गालिबन 7-8 साल से, ये केस अदालत में लेकर गए कि अदाकारा मीरा मेरी हैं, मीरा जो हैं फिल्म स्टार वो मेरी बीवी हैं, और दूसरी जानब अदाकारा मीरा ने तकजीब निकाह का केस दायर किया हुआ था अतीकुर रहमान के खिलाफ कि ये शख्स झूठा है, पागल है, दीवाना है, या कोई फैन है, या मुझे बदनाम करने के लिए अपनी बीवी कह रहा है। बहुत दिनों तक मीडिया में ये खबरें आती रहीं कि अतीकुर रहमान जो हैं वो अदाकारा मीरा के शौहर होने का दावा करते हैं, और साथ ही उन्होंने इस केस को बखूबी अदालत में पेश किया, निकाहनामा, तस्वीर, गवाहान अदालत में पेश किए। लेकिन अदाकारा मीरा इस बात से इनकारी ही रही। उन्होंने कहा कि ये शख्स हरगिज़ मेरा शौहर नहीं है, जबकि दूसरी जानब अतीकुर रहमान ने अदाकारा मीरा को हक मेहर में DHA लाहौर में 2 किनाल का बंगला, उसके कानूनी दस्तावेजात अदालत में पेश किए, तमाम गवाहान को, तस्वीर को और उससे जुड़ी एक एक चीज को अदालत में पेश किया। बड़े लंबे अरसे तक केस चलने के बाद आज पाकिस्तानी अदालत ने अतीकुर रहमान को इंसाफ दिया और कहा कि जो आप इतने अरसे से कह रहे थे मीरा मेरी है, मीरा मेरी है, तो ये लें डिग्री, ये लें लाइसेंस, आज से मीरा आपकी हुई। तो ये कहना गलत ना होगा, अतीकुर रहमान ने अदाकारा मीरा को अदालत से जीत लिया। जिस तरह आपने देखा एक लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं और कोर्ट डिग्री जारी करता है, उसी तरह अतीक साहब को आज अदालतों से मीरा मिल गई। मुझे जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप अदालत के इस फैसले से कितना मुतमईन हैं, या मीरा को शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो ना सही, अदालतों ने ही मीरा की शादी करा दी। अब अदालतों को चाहिए कि अदाकारा मीरा की लगे हाथ उम्र का मसला भी हल कर दें। आए रोज स्कैंडल में उनकी उम्र को लेके बहुत ज्यादा चर्चा रहता है, बहुत ज्यादा स्कैंडल बनते हैं। जहां अदालतों ने उनकी शादी का मामला हल कराया, उनको पिया दे सुधारने की जो जिम्मेदारी अदालतों ने ली, उसको आज उन्होंने पूरी कर दिया। और अतीक साहब सेहरा बांधे कब तक अदाकारा मीरा के घर पहुंचते हैं, ये भी आपको जल्द मालूम हो जाएगा। और घर के बाहर वो बैंड बाजा बारात लेकर जा रहे हैं या पुलिस लेकर, ये एक अलग कहानी है। अब अदालत अदाकारा मीरा को सजा क्या सुनाती है, जो कि हमें नहीं लगता कि अदालत ऐसा करेगी, लेकिन जो उनके दावेदार शौहर हैं वो तो केस जीत चुके हैं। अब वो पुलिस लेकर जाएंगे या बैंड बाजा लेकर जाएंगे, ये तो हमें एक दो रोज में मालूम
हो ही जाएगा। अदालतों की ये जरा नवाजी है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन को ही इंसाफ दे दिया, और वहीं उन्होंने अदाकारा मीरा का केस खारिज करते हुए डिग्री जो है और बाज़ाब्ता तौर पर निकाह नामे को तस्लीम करते हुए अतीकुर रहमान को मीरा का शौहर करार दे दिया। अब मीरा खुला का दावा करती हैं, खुला के एवज उन्हें पूरी जायदाद से हाथ धोना पड़ेंगे या कोई सेटलमेंट, कोई मसालहती रास्ता निकलेगा, ये तो हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम तक जो खबर पहुंची है वो ये है कि उम्र के इस हिस्से में अदाकारा मीरा को उनके शौहर ने अदालत से बजरिया केस जीत लिया। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और ये भी लिखिए कि अदाकारा मीरा की शादी में कौन कौन जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।